हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। फिफ्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेवन्थ चैप्टर, थर्ड यूनिट का। सिक्स चैप्टर हम सेवन्थ के बाद स्टार्ट करेंगे। तो सेवन्थ चैप्टर देखिए, आज हम इसका बेसिक करते हैं। पॉलीनोमियल्स का चैप्टर है आपके पास, तो बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलीनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट x raised to power n प्लस a वन x raised to power n माइनस वन, a टू x raised to power n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन a n x raised to power ज़ीरो आ जाएगा, जिसको हम वन लिखते हैं, है ना। लास्ट में पावर कम होते होते हैं, x raised to power ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x raised to power ज़ीरो कितना होता है, वन होता है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। देन इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलीनोमियल। ओके, आप पॉलीनोमियल पढ़ भी चुके हैं। हेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन, दीज आर द कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, एंड एक्स इज अ वेरिएबल। ये जो पॉलीनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है। इफ ए नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो स्टार्टिंग का जो कांस्टेंट है, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, देन डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है, किस इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन। बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं बेशक हमारे ज़ीरो हों, बट अगर ए नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, देन इसकी डिग्री एक्स जो इसकी पावर देखेंगे, यानी कि एन आ जाएगी, ठीक है। और अगर ए नॉट जीरो बन जाता है, ए वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, देन इसकी डिग्री एन माइनस वन हो जाएगी। देन यहाँ से अगर ए नॉट फर्स्ट जो आपके पास है कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल एन हो जाता है, ठीक है। ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस दिस एंड दिस अप टू सॉन, जो भी है आपके पास, ये सारी टर्म्स बोली जाएंगी पॉलीनोमियल की। एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलीनोमियल, और इसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म हो जाएगी यहाँ से ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन, दिस इज द फर्स्ट टर्म। कब, जब ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जब इसका एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशियंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके पास पॉलीनोमियल। इसके बाद आता है रियल पॉलीनोमियल क्या होती है। अगर पॉलीनोमियल में जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन, ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टेंट्स आर रियल, देन एंड इसको डिनोट किससे करते हैं, अगर जो भी वेरिएबल होगा इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। जिस भी वेरिएबल में पॉलीनोमियल होगी उसको हम ले देंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देन पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड रियल पॉलीनोमियल, रियल पॉलीनोमियल, ओके। एंड जीरो पॉलीनोमियल क्या बनेगी, ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल आर ज़ीरो, देन दिस पॉलीनोमियल बिकम्स टू ज़ीरो पॉलीनोमियल। ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन आर ऑल ज़ीरो, देन एफ ऑफ एक्स इज ए ज़ीरो पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये आपके पास पॉलीनोमियल गिवन है। अगर मैं एक्स की कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट कर लेती हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू टू इन एफ ऑफ एक्स पॉलीनोमियल, देन एफ ऑफ टू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ओके, एफ ऑफ एक्स मीन्स हमारी एक्स में पॉलीनोमियल चल रही है, ओके। देन एफ ऑफ टू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स के प्लेस पे हम टू पुट करेंगे, टू स्क्वायर प्लस टू, दिस इज फोर प्लस टू इज सिक्स, एफ ऑफ टू की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। डेफिनेशन आती है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, इफ़ वी पुट एनी पॉलीनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने पॉलीनोमियल बनाई थी एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन ए वन एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन, दिस इज द पॉलीनोमियल। अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेते हैं, देन इट बिकम्स द इक्वेशन,
ठीक है, इक्वेशन तभी होगी जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट किया जाता है. ओके, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज एन इक्वेशन. डिग्री ऑफ इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन की डिग्री बतानी है देन सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कोई भी x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है 4x 3x2. जब भी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी होती है तो x की पावर जो होती है दिस इज द, यानी कि यहाँ पे जो n होता है ना दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. इंटीजर में इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यानी जो पावर होती है x की वो हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए. यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो 4 × x⁻¹. तो पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, देन एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा और मल्टीप्लाई कीजिए 3x³ यहाँ पे स्क्वायर एलसीएम जाएगा 5 + 5x⁴ +6x³ ओके एंड +8x² +4 एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा जब भी एलसीएम लेंगे 4x + 3 = 0. अब हम इसकी डिग्री इजीली बता सकते हैं एंड डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी यहाँ पे x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर है 5, देन इसकी डिग्री हो जाएगी 5. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5. एक एग्जाम्पल ये देखिए, x⁻²(2/3+1=2x). देन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि x की जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए. अब हमें फ्रैक्शन को रिमूव करना है, x⁻²(2/3)=2x-1. 1 को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं. नाउ क्यूबिक बोथ साइड, x⁻²(2/3), दोनों साइड क्यूब अप्लाई करेंगे, 2x-1³, 3 से 3 कैंसिल, x²=a-b³. यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे आप 2x-1³. जैसे आप क्यूब ओपन करोगे तो x³ आएगा, देन यहाँ पे स्क्वायर 3 यहाँ से आ जाएगा, देन डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्यूब की टर्म आएगी, देन 3. इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट डेफिनेशन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशंस. जनरल इक्वेशन हम लेते हैं f(a₀xn)a₁x⁻²(n-1)+ डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं और लास्ट में आ जाता है a₀nx⁻²₀. यहाँ पे हमने लिया a₀ ≠ 0, दैट मीन्स दिस जो पॉलिनोमियल है वो हमारी n डिग्री की है. ओके, इक्वेशन बोला गया है तो इसको इक्वल टू जीरो रख दीजिए, देन डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज n. ठीक है, देन इसको कंप्लीट इक्वेशन कब बोलेंगे, अगर n से लेकर पावर देखिए x की यहाँ पे n, फिर n-1, n-2, up to 0 तक, अगर एक भी टर्म इसमें मिस नहीं है देन ये कंप्लीट इक्वेशन होगी. एंड अगर कोई भी टर्म यहाँ पे मिस हो जाती है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ f(x)=a₀x⁻²n प्लस ये टर्म हम मिस कर लेते हैं a₂x⁻²(n-2) प्लस अप टू सॉन लास्ट में आ जाएगा an₀=1. यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड टर्म हमारी मिस है, देन ये जो इक्वेशन बनेगी दिस इज इनकम्प्लीट. ओके, और जिसमें सारी की सारी पावर 0 से लेकर n तक हर एक पावर की अगर टर्म आती है, जितनी भी उसकी डिग्री होगी उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4 डिग्री की इक्वेशन, x⁴(4), 3x³+x²+2x+1=0. कॉन्स्टेंट का मतलब x⁴, 4 डिग्री की क्वेश्चन है, देन हमारे पास 4 डिग्री, इसके बाद 3 पावर चेक करेंगे, इसके बाद 2 पावर भी आ रहा है, 1 पावर, x⁴ लिखेंगे 1 होता है, देन 0. अगर 4 डिग्री की पूछी जाती है तो 0 से लेकर 4 तक सारी पावर्स के टर्म हमें मिलने चाहिए, देन दिस इज़ द कम्प्लीट इक्वेशन. और अगर हम मिस कर लेते हैं जैसे x²+1=0, दिस इज इनकम्प्लीट बिकॉज हेयर x⁴, यानी कि x की टर्म मिस है. ओके, नेक्स्ट है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. रूट्स क्या होते हैं,
फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स बिकम्स ज़ीरो। यानी कि अगर आपके पास पॉलीनोमियल दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, या इक्वेशन बोल लीजिए, इक्वेशन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर पॉलीनोमियल बोलोगे तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ले ली इक्वेशन, देन एक्स की हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ज़ीरो आ जाए, ठीक है। देन एक्स की उस वैल्यू को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, जैसे आप यही ले लीजिए, चलिए तो प्लस का है, माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अगर मैं एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन रखती हूँ, हेयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर टू, देन एक्स की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस वन लेती हूँ, यहाँ पे वन रखोगे देन माइनस, एंड माइनस वन रखोगे देन ऑल्सो जो आपके पास है वो ज़ीरो आएगा। वन माइनस वन इज ज़ीरो एंड माइनस वन की पावर टू, वन माइनस वन इज ज़ीरो। तो दोनों वैल्यूज से इक्वेशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रही है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन इज़ अ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए आपके पास गिवन है एफ एक्स पॉलीनोमियल इक्वल टू एक्स फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, आपको इसकी चाहिए वैल्यू। देन आपको गिवन होगा कि एक्स रेज टू पावर किस नंबर पे इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू थ्री ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू थ्री पे वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ थ्री, मीन्स एक्स को थ्री पुट कर देंगे, थ्री रेज टू पावर फोर, थ्री इंटू फोर स्क्वायर प्लस वन, देन सॉरी थ्री स्क्वायर, थ्री पुट कर रहे हैं एक्स की प्लेस पे, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन ज़ीरो पॉलीनोमियल्स, देन there exist unique polynomial polynomials rx and qx such that f of x equal to g of x into q of x plus r of x। समझ गए हो गया आप, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम में इफ़ वी डिवाइड एफ एक्स बाय जी एक्स, अगर हम एफ एक्स पॉलीनोमियल को जी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, क्या कह रहा है, दिस इज क्यू एक्स, देन ये हमारा क्यू एक्स इज जो क्वेश्चेंट बोलते हैं हम इसको, क्वेश्चेंट पॉलीनोमियल हो जाएगा, एंड आर एक्स इज ए रिमाइंडर पॉलीनोमियल, समझ गए। देन डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर यानी कि आर ऑफ एक्स हो जाएगा। हेयर आइदर आर ऑफ एक्स पॉलीनोमियल इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ, या इक्वल टू पे ज़ीरो ही हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि या तो आर ऑफ एक्स यानी रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो सकता है, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन हो जाएगा डिग्री ऑफ जी एक्स। इफ एफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल देन एफ ऑफ एक्स इज अ रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच। कह रहा है कि कोई पॉलीनोमियल दे रखी है एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स रिमाइंडर बन जाएगा कब, जब एक्स माइनस एच से हम एफ ऑफ एक्स पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे करना है, ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस एच, अगर हम एक्स माइनस एच से एफ ऑफ एक्स पॉलीनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, देन हम कोशेंट लेके चलेंगे, क्यू ऑफ एक्स हम स्पॉज करके चलेंगे, एंड आर इज अ रिमाइंडर। देन यहाँ से ले लेते हैं लेट क्यू ऑफ एक्स इज कोशेंट एंड कैपिटल आर इज
रिमाइंडर, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए, x माइनस एच से हम डिवाइड कर रहे हैं, देन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, x माइनस एच इंटू कोशेंट, कोशेंट इज अवर क्यू ऑफ एक्स प्लस आर इज अ रिमाइंडर, पुट x इक्वल टू h, x को h पुट कर लेते हैं, देन एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच माइनस एच इंटू क्यू ऑफ h प्लस आर, एच माइनस एच इज जीरो, कंप्लीट नंबर इज अ जीरो, प्लस आर इक्वल टू आर, देन एफ ऑफ एच आ गया आर, एंड आर इज रिमाइंडर। तो यही हमें बताना था कि आर हमारा रिमाइंडर आ रहा है, देन एफ एक्स रिमाइंडर कब बन जाएगा, जब हम एफ एक्स को एक्स माइनस एच से डिवाइड करेंगे। ओके, तो एक्स जब जब जैसे ही मैंने एक्स माइनस एच से डिवाइड किया यहाँ पे, देन एफ एक्स यानी कि एच में चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा इक्वल टू आर। दिस इज अ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इफ़ अल्फा इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर अल्फा हमारा रूट है एफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल का, देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा, यानी कि अगर अल्फा एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट बनता है तो एक्स माइनस अल्फा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मीन्स रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारे पास। चलिए लेके चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। हमें गिवन है अल्फा इज अ रूट ऑफ, अल्फा इज अ रूट ऑफ, ये कंडीशन हम लेके चलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक्स के प्लेस पे अल्फा पुट कर लेती हूँ तो आंसर मेरा जीरो आएगा। ओके, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें बताना है कि x माइनस अल्फा एफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, देन देखिए इफ x माइनस अल्फा इज डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स एंड आर टू पॉलिनोमियल्स सच दैट आर इज अ रिमाइंडर, क्यू एक्स इज अ कोशेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एज कोशेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। सर डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, पुट x इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इज अ जीरो इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, मीन्स एफ ऑफ अल्फा आ गया हमारे पास आर के इक्वल। ओके, नाउ एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या निकाल रखी है फर्स्ट इक्वेशन से, जीरो, बिकॉज अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। नहीं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम जीरो इक्वल टू आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू हमने जीरो रखी, इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, और अगर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आता है इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा जो एफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ जो हम डिवाइड करने के लिए भी करते हैं एंड इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, मीन्स शॉर्टकट मैथड ऑफ डिवीजन। देखिए अगर हमें डिवाइड करना है, मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और आपको इसको डिवाइड करना है x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है। ओके, देन x इक्वल टू थ्री, हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हमें इससे डिवाइड करें, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब जो इसके कोफिशियंट्स हैं, एक भी टर्म यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन होने चाहिए, इसमें जो है एक भी टर्म मिस नहीं होने चाहिए। ओके, फर्स्ट इसकी डिग्री देखिए, सबसे पहले तो थ्री डिग्री है, इसका मतलब हम यहाँ पे चार टर्म लेंगे। ओके, एक थ्री डिग्री का कोफिशियंट, फिर स्क्वायर का, फिर फर्स्ट, देन कॉन्स्टेंट। अगर यहाँ पे चेक करें हम तो फर्स्ट इज एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट रहेगा विच इज़ वन,
ठीक है। फिर आता है एक्स स्क्वायर की टर्म, अगर नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे। अगर हमें एक्स स्क्वायर की टर्म गिवन है, दिस इज इसका कोफिशियंट 5, इसके बाद हम एक्स का कोफिशियंट लेंगे, इसके बाद लेंगे कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, इस पॉलीनोमियल से हमें डिवाइड करना है, इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू 3, देन यहाँ से आ जाएगा 3 से यहाँ पे आपको 3 लिखना है, जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। नाउ करना कैसे है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ उतार लीजिए, जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे, देन 3 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, 3 इंटू 1 इज 3, ओके ऐड कर देंगे 8, देन 8 की और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए इज 24, फिर हम इसको ऐड करेंगे दिस इज 28, देन फिर 3 एंड 28 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम 480, ठीक है। देन ऐड करेंगे, ऐड मीन्स अगर माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे और अगर दोनों प्लस के हैं तो हम इसकी एडिशन करेंगे। ओके, देन इसमें से माइनस करेंगे, दिस इज 69 क्योंकि प्लस का है, लास्ट वाली जो टर्म होती है दिस इज द रिमाइंडर। ओके, एंड दिस इज योर क्वेश्चंट। अब ये कैसे करना है, हमारे पास डिग्री है इक्वेशन की 3, जो आप यहाँ से लेके चलोगे यानी जो आंसर आएगा वो आपके पास एक कम डिग्री यानी कि एक्स स्क्वायर का। क्वेश्चंट कैसे लिखना है, कि वो ऑफ एक्स इज अ क्वेश्चंट, जो फर्स्ट टर्म आपके पास डिजिट आया है दिस इज द कोफिशियंट ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 3 डिग्री की है, जैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वन यानी एक डिग्री की इक्वेशन से हमने डिवाइड किया एंड 3 डिग्री की इक्वेशन हमें गिवन थी, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहेगी 2 डिग्री की। ओके, देन यहाँ से आ जाएगा ये जो फर्स्ट डिजिट है दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हाइएस्ट डिग्री का, इसके बाद एक्स स्क्वायर की बात किसकी बारी आएगी, एक्स की, देन दिस इज 8 इंटू एक्स और ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0, दिस इज योर कोशेंट इक्वेशन, समझ गए। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 3 को, वैसे तो बाय स्टेप जैसे पहले हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से करते जाएंगे, बहुत लंबा होता है एंड ये जो सिंथेटिक डिवीज़न है शॉर्टकट मेथड होता है डिवीज़न का, 4x माइनस 15 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट निकाल दिया, आंसर हमारा ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 28 एंड रिमाइंडर इज 69। ओके, देन दिस इज द सिंथेटिक डिवीज़न।